हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीसी भंडार में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास टेंथ के लिए, और इसमें जो है हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि बायोलॉजी के बारे में जो है कुछ जो है जानकारी हम लोग समझ लेते हैं कि बायोलॉजी जो है क्या है और बायोलॉजी वर्ड जो है कहाँ से आया, बायोलॉजी के जो है फादर्स कौन है, इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बायोलॉजी वर्ड जो है वह दो वर्ड से बना है, एक बायो एक लॉजी। एक बायो है, क्या है? लॉजी है। अब देखिए, बायो का मतलब होता है आपका जीव जंतु, और लॉजी का मतलब होता है आपका अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी कि देखिए, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो जीव जंतु के बारे में जो है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को जो है हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी माने वैसा विज्ञान जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक ना। इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसे करते हैं अध्ययन? सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसलिए जो है इसको हम लोग जो है जीवन का विज्ञान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीवन का विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग जो है जीवन का विज्ञान बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, अब बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जनरली जो है हम लोग तो पढ़े थे कि बायोलॉजी का जो पार्ट्स है वो दो भाग में बांटा गया है। इन लोग को पहले सबसे पढ़े थे कि क्या चीज़, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। बट फिर इसको जो है तीन पार्ट्स में बांट दिया गया। एक आ गया माइक्रो बायोलॉजी। ठीक, तो जूलॉजी का होता है कि अर्थ प्राणी विज्ञान, इसका अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव। तो हम लोग जो है जनरली यही जानते हैं कि जो बायोलॉजी के जो है तीन पार्ट्स होते हैं, इसको तीन भागों में बांटा गया है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। बट हम लोग जो है अदर वे से पढ़ेंगे, यानी कि दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, और उसमें जो है हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के जो है हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे। ठीक, फर्स्ट है आपका बेसिक बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी, और उसके बाद है एक अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। अब देखिए बेसिक बायोलॉजी में देखिए, इसको जो हम लोग तीन भाग में इसको जो बांटते हैं। पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया बॉटनी, और तीसरा आपका हो गया माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी। ठीक, और इसको जो हम लोग बांटते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और एक है औषधि विज्ञान। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिर इससे जो है हम लोग दो भागों में क्यों बांटेंगे। तो देखिए बेसिक बायोलॉजी मतलब कि जिसमें हम लोग जो है बेसिक नॉलेज लेंगे, ठीक ना, उसको हम लोग बेसिक बायोलॉजी कहेंगे। और अप्लाइड मतलब ये जो बेसिक के नॉलेज जो हम लोग लिए, ठीक ना, तो उसके बाद जो है उसको हम लोग जो अप्लाई करेंगे, ठीक ना, मैंने उसका जो है प्रयोग करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक ना, तो यहाँ समझेगा हम लोग। देखिए बेसिक बायोलॉजी, अब यहाँ पे देखते हैं कि जूलॉजी है। अब देखिए जूलॉजी के बारे में जो हम लोग क्या चाहिए, जूलॉजी में जो है हम लोग जीव जंतुओं के जो है अध्ययन करते हैं, तो जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसका अध्ययन करते क्या क्या करते हैं, इसका अध्ययन करके, तो इसका अध्ययन करके जो है अब इसका जो है हम लोग क्या चाहिए, अप्लाई करते हैं। अप्लाइड मतलब ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, मतलब जो भी चीज हम उनके बारे में अध्ययन करें, ठीक ना, उसका जो है हम लोग क्या करेंगे,
प्रयोग करेंगे कि आखिर इसके बारे में हम लोग क्या जाने हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं, अब देखिए कृषि विज्ञान है, अप्लाइड बायोलॉजी में क्या है, कृषि विज्ञान। तो ध्यान देंगे, कृषि विज्ञान का मतलब यह हुआ कि कृषि के संबंधित जो है खेती हो गया, खेती बाड़ी जो है जो भी है वो सब हो गया कृषि विज्ञान में। अब ध्यान दीजिए, तो कृषि विज्ञान जानने के लिए क्या करना है आपको, कि इसके बारे में नॉलेज आना पड़ेगा। अगर आपको कृषि करना है, आपको आपको जो है खेती करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसके बारे में जानना होगा कि कौन सा फसल जो है कब बोएंगे, तब कैसे बोएंगे, ठीक ना, उसका तरीका क्या है, सब। यानी कि सबसे पहले आपको फसल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि पौधों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और जब पौधों का नॉलेज होना चाहिए, तो पौधों का जो नॉलेज है हम लोग कहाँ लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे बॉटनी में। किसमें? बॉटनी में, यानी कि बॉटनी में जो है हम लोग कहते हैं वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका नॉलेज हम लोग लेते हैं, ठीक ना, बेसिक बायोलॉजी में। और उसके बाद जो है हम लोग कहाँ, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ, कृषि विज्ञान में जो है इसका अप्लाई करते हैं, तब जाकर जो है हम लोग कृषि करते हैं। अब देखिए फिर है पशु विज्ञान। अब पशु विज्ञान यानी कि इसका मतलब हुआ एनिमल साइंस, इसमें हम लोग कहते हैं जो भी पशु के बारे में है सब अध्ययन करते हैं। अब देखिए अध्ययन किस में करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग तो बेसिक बायोलॉजी में, यानी कि जूलॉजी में करेंगे। अब जूलॉजी में इसका अध्ययन करके जो है तब जाके इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका अप्लाई करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जो भी हम लोग नॉलेज है उसको हम लोग क्या चाहिए, उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको पशुपालन करना है सपोज, तो पशुपालन करना है तो इसके लिए क्या है कि हमको पशु के बारे में जो है टोटल जो है जानकारी होना चाहिए, टोटल नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो वो जो है नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा हम मेरा बेसिक बायोलॉजी से, ठीक। अब चिकित्सा विज्ञान है, तो चिकित्सा विज्ञान यानी कि जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, इलाज बीमारी जो है, तो इलाज बीमारी के जानने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले जो है जिस जीव जंतु में बीमारी होता है, ठीक ना, जिसमें डिजीज होता है, हमको पहले उस चीज जानना होगा, ठीक ना। तो वो चीज जो हम लोग जानेंगे, कहाँ जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे बेसिक बायोलॉजी में। और वो चीज जान के जो है तब जाके हम लोग क्या चीज उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका जो है बीमारी का पता लगा सकते हैं, खोज कर सकते हैं, प्लस में उसका जो है इलाज भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान मतलब जो भी दवा हो गया, तो दवा ये सब जो बनता है, ठीक ना, तो उसके बारे में दवा बनता ज्यादा कहाँ से है, तो दवा ज्यादा आपको पता होगा कि पेड़ पौधे के जड़ी से या फिर पेड़ पौधे से अधिकतर दवा बनता है, ठीक ना। अब तो मैंने केमिकल से भी बहुत सारा बनता है, बट इसका जो है जो पेड़ पौधे से जो बना, ठीक ना, तो वो जो पेड़ पौधा का जो है, तो उसका जो है हम लोग नॉलेज जो है किसमें लेते हैं, तो बेसिक बायोलॉजी में। किसमें? बेसिक बायोलॉजी में, ठीक ना। अब इसका नॉलेज लेकर तब जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं और दवा हुआ जो है उसका निर्माण करते हैं, ठीक ना। अभी क्या समझेंगे हम लोग, अब जूलॉजी देखिए, इसके जो फादर्स के बारे में जानते हैं हम लोग, तो जूलॉजी और प्लस बायोलॉजी, जूलॉजी और बायोलॉजी, तो दोनों के जो फादर्स है, ये दोनों का फादर जो है वह बोला गया अरस्तु को। किनको बोला गया है? अरस्तु को, ठीक। अब इनके बॉटनी के जो फादर्स हैं, बॉटनी के फादर्स जो है वह बोला गया है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस को जो है बॉटनी का फादर्स यानी कि बॉटनी का जनक बोला गया है, ठीक। अब ये जो है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के जो है जनक वो बोला गया है एंटोनी वान लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी में सबसे जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक ना, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक। क्योंकि जो इसमें जो है डिफिकल्ट होने लगा और स्टडी करना, इसलिए जो है इसको अलग भाग में बांटा गया, इसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इनके जो देखिए फादर जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक, देखिए ये जो क्या थे कि आप लोग को याद होगा, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि सर्वप्रथम जो है सेल, किसका सेल, सेल यानी कि कोशिका, कोशिका का जो खोज जो है सर्वप्रथम जो है 1665 ईस्वी में कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे, ठीक ना। तो ये जो सेल का जो डिस्कवर किए थे, जो खोज किए थे, तो सेल जो था कैसा था, तो ये जो था डेड सेल था, कैसा था, डेड सेल, ठीक ना। अब ये जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है वह 1674 में, 1674 ईस्वी में जो है यह खोज किए थे सूक्ष्मदर्शी के, सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे, ठीक ना। और इसी सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जो है वह 1674 ईस्वी में ही है, 1674 ईस्वी में जो है वह सेल का
खोज किए और वो भी कैसा, तो एक्टिव सेल, वो एक्टिव यानी कि जीवित कोशिका का जो है खोज किए, ठीक ना। इसलिए जो है इनको क्या जी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा गया है, ठीक। तो ये जो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था।